हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चुंबक क्या होती है? तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा कोबाल्ट को आकर्षित करता है, और इसे आकर्षित करने के गुण को कहा जाता है चुंबकत्व। लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा और कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसे चुंबकत्व कहा जाता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक साइड को कहा जाता है एन ध्रुव जबकि दूसरे साइड को कहा जाता है एस ध्रुव। तो अगला है, सजातीय ध्रुवों को प्रतिकर्षित करता है जबकि विजातीय ध्रुवों को आकर्षित करता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरा चुंबक है, तो अगर हम इसे एन मान लेते हैं और इसे एस मान लेते हैं, तो यहाँ पर दो सजातीय ध्रुव है। तो सजातीय ध्रुव की स्थिति में वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी अर्थात दूर दूर करेंगी, जबकि विजातीय ध्रुव की स्थिति में वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। अगर हम इसी के जगह एस को यहाँ रख देंगे और एन को यहाँ रख देंगे तो यह एक दूसरे के आकर्षित करेगी। स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक होता है, और पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण ही जो चुंबक होती है उसे स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। हम आगे पृथ्वी के भूचुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, और उसी भूचुंबकत्व के कारण जो चुंबक होती है वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा निकिल और कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का जो प्रत्येक अणु होता है वह स्वयं एक पूर्ण चुंबक होता है, अर्थात अगर हम किसी चुंबक को बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त कर देंगे, तोड़ने पर भी जो टुकड़ा प्राप्त होता है वह स्वयं एक पूर्ण चुंबक होता है, और उसमें दो ध्रुव होते हैं, अर्थात चुंबक की किसी भी स्थिति में एक ध्रुव संभव नहीं है, हमेशा उत्तर और दक्षिणी ध्रुव विद्यमान होते हैं। चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है चुंबकीय अक्ष, अर्थात ये है एन ध्रुव और ये है एस ध्रुव। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उसे कहा जाता है चुंबकीय अक्ष। शक्तिशाली चुंबक का निर्माण के लिए कोबाल्ट धातु का उपयोग किया जाता है, जबकि जो प्राकृतिक चुंबक होता है वह लोड स्टोन होता है। तो इन बिंदुओं को हमें याद रखना है। शक्तिशाली चुंबक के निर्माण के लिए कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है और प्राकृतिक चुंबक लोड स्टोन होता है। अगला हम पढ़ते हैं चुंबकीय विनाश क्या होती है, अर्थात चुंबक के चुंबकत्व का नष्ट होने को कहा जाता है चुंबकीय विनाश। और चुंबकीय विनाश कैसे होता है, अर्थात अगर हम चुंबक को पटकते हैं या पीटते हैं, इस स्थिति में उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक को गर्म करने पर या किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ के संपर्क में रखने पर या पृथ्वी के संपर्क में रखने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक को पीटने या पटकने की स्थिति में जो उसके अंदर के अणु होते हैं वह तेजी से दोलन करते हैं, अर्थात तीव्र गति से वह इधर उधर घूमते हैं, दोलन करते हैं, जिससे उसके समीपवर्ती विजातीय ध्रुवों की ओर आकर्षित होकर मुक्त हो जाते हैं और अन्य विजातीय ध्रुवों के साथ एक बंध समूह बनाते हैं जिससे उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो चुंबक को पटकने या पीटने से उसके अणु दोलित होते हैं, और दोलन की स्थिति में वह अपने निकट के विजातीय ध्रुव के साथ मिलकर एक प्रकार का बंध समूह बनाती है और उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबकीय उदासीन बिंदु किसे कहा जाता है? तो चुंबकीय उदासीन बिंदु उसे कहा जाता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है तो उसके द्वारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, तो कोई अन्य पदार्थ होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ या अन्य पदार्थ, तो इस चुंबक के द्वारा जो चुंबकीय रेखाएं उत्सर्जित होती है उस चुंबकीय रेखाओं की संख्या को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय उदासीन बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, अर्थात वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएँ नहीं होती है। इस बिंदु से एक भी चुंबकीय बल रेखाएँ नहीं गुजरती है। एक अन्य बिंदु यहाँ पर दिया गया है कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है जबकि उसके मध्य में चुंबकत्व सबसे कम होता है, अर्थात जो उसका एन और एस ध्रुव होता है सिरों पर, वहाँ पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है जबकि उसके मध्य में चुंबकत्व सबसे कम होता है। अगला हम पढ़ते हैं चुंबकीय विनाश को रोकने के उपाय। चुंबकीय विनाश को विभिन्न उपायों के माध्यम से रोका जा सकता है। सबसे पहला उपाय है चुंबक को पिटने या पटकने से बचाना चाहिए, उसे ऊष्मा से बचाना चाहिए, अर्थात अगर हम चुंबक को ऊष्मा से बचा लेंगे अर्थात उसे गर्म होने से बचा लेंगे तो इस स्थिति में उसके चुंबकत्व का विनाश नहीं होगा। अगला दिया गया है चुंबकीय वस्तुओं के संपर्क से दूर रखना, अर्थात अगर हम कोई अन्य चुंबकीय पदार्थों को इसके समीप रखते हैं तो इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, तो इसे बचाने के लिए हमें किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ के संपर्क में नहीं रखना है। साथ ही इसे पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ना है क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक की भांति कार्य करती है, तो इस स्थिति में भी इसके चुंबकत्व का विनाश होगा। तो इन सभी उपायों के माध्यम से हम चुंबकत्व के विनाश को रोक सकते हैं। अगला दिया गया है चुंबकीय रक्षक का उपयोग करना और चुंबक को खुले में नहीं छोड़ना। चुंबकीय रक्षक का उपयोग करके भी
हम चुंबकीय विनाश को रोक सकते हैं। अगला हम पढ़ते हैं चुंबकशीलता क्या होती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं का पदार्थ से अधिक मात्रा में प्रवाह को चुंबकशीलता कहा जाता है, और उसे अगर हम अन्य शब्दों में समझना चाहें तो पदार्थ की जो चालन शक्ति होती है चुंबकीय बल रेखाओं की, उसे ही कहा जाता है चुंबकशीलता। और पदार्थ के इसी गुण के कारण चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ती है या फिर घटती है। अर्थात जिस पदार्थ में चुंबकशीलता अधिक होगी वह चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता को बढ़ा देगी, वह अधिक मात्रा में चुंबकीय बल रेखाओं को प्रवाहित होने देगी, जबकि चुंबकीयशीलता कम होने की स्थिति में वह चुंबकीय बल रेखाओं को कम मात्रा में प्रवेश करने देगी। अगला हम पढ़ते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। अर्थात पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह कितनी सुगमता से अधिक चुंबकत्व को ग्रहण करता है। अर्थात इसी गुण के कारण कोई पदार्थ अधिक चुंबकित या कम चुंबकित होता है। अर्थात किसी पदार्थ में कितनी चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होती है, और इस गुण को कहा जाता है चुंबकीय प्रवृत्ति। अगला हम पढ़ते हैं स्थायी चुंबक क्या होती है और विद्युत चुंबक क्या होती है। स्थायी चुंबक उसे कहा जाता है जिसमें चुंबकत्व लंबे समय तक स्थायी रूप से विद्यमान होता है। स्थायी चुंबक क्या होती है, तो कमरे के ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ का जो गुण होता है वह अगर दीर्घकाल तक विद्यमान रहे तो उसे कहा जाएगा स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक के अन्य गुण क्या होते हैं, तो उसकी उच्च चुंबकशीलता होती है जबकि उसकी उच्च निग्राहिता होती है। उच्च चुंबकशीलता का तात्पर्य होता है वह शीघ्रता से चुंबकित हो जाती है। तो इन बिंदुओं को हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि स्थायी चुंबक के गुण क्या होते हैं। स्थायी चुंबक का चुंबकत्व दीर्घकाल तक बना रहता है, उसकी जो चुंबकशीलता होती है वह उच्च होती है जबकि उसकी निग्राहिता भी उच्च होती है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए एल्निको पदार्थ, कोबाल्ट स्टील और टिकोनल, इन सभी धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो इसे हमें याद रखना है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए एल्निको पदार्थ, कोबाल्ट और स्टील का मिश्रण और टिकोनल, इन सभी का उपयोग किया जाता है। एल्निको, एल्युमिनियम, निकिल, इन सभी धातुओं का मिश्रण होता है, तो इन सभी का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबक का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो विद्युत चुंबक का निर्माण जो है लौह चुंबकीय पदार्थ से किया जाता है, और इसकी जो चुंबकशीलता होती है वह बहुत अधिक होती है और इसकी धारणशीलता बहुत कम होती है। इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय के गुण क्या होते हैं। विद्युत चुंबक का निर्माण जो है नर्म लोहे से किया जाता है। इसके निर्माण के लिए नर्म लोहे को अगर हम परिनालिका के अंदर रखकर अगर हम उसमें दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे विद्युत चुंबक का निर्माण होता है, और यह विद्युत चुंबक नर्म लोहे से निर्मित होता है। अगला हम पढ़ते हैं चुंबकीय रक्षक क्या होती है। अर्थात चुंबकीय रक्षक वह धातु होती है जिसका उपयोग करके हम चुंबक के चुंबकत्व को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। चुंबक को कुछ समय तक स्वतंत्र छोड़ देने से या फिर पृथ्वी या अन्य चुंबकों के संपर्क में आने से उसका चुंबकत्व धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, तो इसे बचाव के लिए चुंबकीय रक्षक का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय रक्षक का निर्माण भी नर्म लोहे से किया जाता है। तो इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है कि विद्युत चुंबक और चुंबकीय रक्षक, इन दोनों का निर्माण नर्म लोहे से किया जाता है। चुंबकीय रक्षक निर्माण की प्रक्रिया में हम सबसे पहले चुंबकीय रक्षक जो कि नर्म लोहे का बना होता है उसे चुंबक के सिरों पर लगा देते हैं। ऐसा करने से जो मूल चुंबक होती है वह निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर बंध श्रृंखला का निर्माण करती है। अर्थात उसका जो चुंबकत्व होगा वह लंबे समय तक बना रहेगा, और बंध श्रृंखला के कारण जो उसके अणु होते हैं वह इधर उधर घूम नहीं पाते हैं, और जिसके कारण उसका चुंबकत्व अधिक दिनों तक बना रहता है। यहाँ पर जो मूल चुंबक होती है, अर्थात अगर कोई चुंबक दिया गया है उसका जो अणु होते हैं उसे ही कहा जाता है मूल चुंबक। अगर हम चुंबकीय रक्षक का उपयोग करेंगे तो बंध श्रृंखला का निर्माण होगा, और जिसके कारण इसके अणु इधर उधर घूम नहीं पाएंगे और उसका चुंबकत्व अधिक दिनों तक बना रहेगा। चुंबकीय रक्षक होता है वह भी प्रेरण की क्रिया के द्वारा स्वयं चुंबक बन जाता है। अर्थात अगर हम चुंबकीय रक्षक का उपयोग करते हैं तो चुंबकीय रक्षक चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से स्वयं एक पूर्ण चुंबक बन जाता है, और उसमें जो ध्रुव होगा वह इस ध्रुव के विजातीय ध्रुव होगा। अर्थात अगर यह एन ध्रुव है तो जो चुंबकीय रक्षक होगा वह एस ध्रुव बनेगा। तो चुंबकीय रक्षक में उसके विपरीत ध्रुव उत्पन्न होता है, और प्रेरण के द्वारा वह स्वयं पूर्ण चुंबक बनकर ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। अर्थात अगर कोई चुंबक दी गई है उसके ऊपर में हम चुंबकीय रक्षक लगा देते हैं तो ये जो है एन ध्रुव होगा, तो इसके विपरीत यह एस ध्रुव होगा। ये ध्रुव आपस में विजातीय हैं, तो इस स्थिति में वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, और इसके माध्यम से वह एक बंद समुदाय का निर्माण करके चुंबकत्व को नष्ट होने से रोकती है। हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था, उसमें हमने प्रेरण के बारे में पढ़ा था। तो इसी प्रेरण के माध्यम से कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया जाता है जो कि नर्म लोहे का बना होता है। जो मूल चुंबक होती है, जो चुंबकीय पदार्थ होती है,
वह चुंबकीय रक्षक या कृत्रिम चुंबक को प्रेरण की क्रिया के द्वारा चुंबकित कर देती है और वह नर्म लोहा एक प्रकार के चुंबक की भांति कार्य करता है। नर्म लोहे से बना चुंबकीय रक्षक होता है, उसकी चुंबकशीलता अधिक होती है जबकि उसके चुंबकत्व नष्ट होने की क्षमता बहुत ही कम होती है, अर्थात वह चुंबक शीघ्रता से चुंबकित हो जाता है, उसके चुंबकशीलता नष्ट होने की क्षमता अर्थात उसकी निग्राहिता भी कम होती है। तो इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है कि चुंबकीय रक्षक के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है और उसका जो ध्रुव बनेगा वह विजातीय होगा, वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगी और इसी स्थिति में वह बंद वक्र का निर्माण करेगी और इसी बंद वक्र के माध्यम से उसका चुंबकत्व जो है लंबे समय तक बना रहता है। अगला हम पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? तो कोई चुंबकीय पदार्थ होती है और उस चुंबकीय पदार्थ से बल रेखाएं निकलती है, इन्हीं बल रेखाओं को कहा जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वह वक्राकार पथ का निर्माण करती है और चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लेते हैं ये कोई चुंबक दी गई है तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वह वक्र का निर्माण करेगी, अर्थात वक्राकार पथ के माध्यम से चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित होती है और यह बल रेखा जो चुंबकीय पदार्थ होती है उसके बाहर हमेशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर गमन करती है, अर्थात यह एक प्रकार के वक्र का निर्माण करती है। तो चुंबक के जो अंदर का क्षेत्र होगा वहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी जबकि इसके बाहर में यह उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। और चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो यहाँ पर यह चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? तो हमने अभी पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर गमन करती है और यह चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। अगला गुण होता है किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी क्षेत्र की दिशा को बताती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। हमने अभी देखा कि अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे किसी बिंदु पर तो वह परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी और दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जिन बिंदुओं पर रेखाएं घनी होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है जबकि जिन क्षेत्रों में विरल होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, अर्थात ये चुंबकीय रेखाएं अगर पास पास में हैं सघन हैं तो उसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, अगर ये दूर दूर हैं तो उसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती है, अर्थात यहाँ पर जो चुंबकीय रेखा होती है वह एक दूसरे को लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। जबकि अगला गुण होती है चुंबकीय बल रेखाएँ खींची हुई रस्सी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती है, अर्थात जो रस्सी होती है अगर हम उसे खींच देंगे तो वह सिकुड़ने का प्रयास करेगी। उसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाओं का गुण होता है तो वह भी सिकुड़ने का प्रयास करेगी। तो इन सभी गुणों को हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला हम पढ़ते हैं चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या होता है। चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या होती है? तो चुंबक का जो प्रत्येक अणु होता है वह स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है, अर्थात हमने अभी पढ़ा कि अगर हम चुंबक को बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त कर देंगे तो उसका जो प्रत्येक टुकड़ा होगा वह स्वयं एक पूर्ण चुंबक होगा और उसमें दो ध्रुव होंगे, एन ध्रुव और एस ध्रुव। अगला दिया गया, सामान्य अवस्था में अणु पारस्परिक आकर्षण द्वारा एक निश्चित आकृति के बंध समूह का निर्माण करते हैं, बंध समुदाय बनाते हैं और जिसके कारण वह बाह्य रूप से चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं करती है, अर्थात जो चुंबकीय अणु होते हैं वह विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं, वह ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सभी आकृति का निर्माण करते हैं और बंध समुदाय बनाते हैं जिसके कारण वह बाह्य रूप से चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। और चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसे अगर हम चुंबकित करेंगे तो उसके जो बंध अणु होते हैं वह टूट जाते हैं और वह श्रेणी क्रम का निर्माण करते हैं और जो मूल चुंबक का ध्रुव होता है वह एक दिशा में जबकि दूसरा ध्रुव विपरीत दिशा में होता है। मान लेते हैं कोई चुंबक है, उसके जो प्रत्येक अणु होगा चुंबकित करने पर उसके बंध समूह टूट जाएगा और उसका जो प्रत्येक अणु होगा वह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। जो ध्रुव चुंबक का होता है वही ध्रुव उसके अणु का भी ध्रुव होगा। इस प्रकार एक सिरा जो है एक ध्रुव को प्रदर्शित करेगा और दूसरा सिरा केवल एक ध्रुव को प्रदर्शित करेगा, अर्थात सभी अणु का एन ध्रुव एक साइड और एस ध्रुव दूसरे साइड हो जाता है और इस प्रकार जो चुंबकीय पदार्थ होता है वह एक प्रकार का चुंबक बन जाता है। तो इसे हमें याद रखना है कि चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या होता है। अगला हम पढ़ते हैं कृत्रिम चुंबक बनाने की विधि। कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए बहुत सारी विधि होती है। पहली विधि है एक स्पर्श विधि, दूसरी विधि है द्विस्पर्श विधि, तीसरी विधि है वह है
विभक्त स्पर्श विधि और चौथी विधि है विद्युत प्रभाव से चुंबक का बनना। एक स्पर्श विधि में कोई एक नर्म लोहे का दंड होता है और उसमें एक हम चुंबक लेते हैं, उस चुंबक को एक सिरे से स्पर्श करते हुए हम उसे उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाते हैं, उसके पश्चात उसे पुनः दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने से यह जो दंड होगा वह चुंबक बन जाता है। इस प्रकार हम एक स्पर्श विधि के द्वारा चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। छड़ के जिस सिरे से रगड़ना प्रारंभ करते हैं वह उसी ध्रुव के समान हो जाता है। यहाँ पर अगर हम कोई दंड दी गई है और ये जो चुंबक है वह अगर हम एन सिरे से रगड़ते हैं तो दंड का जो सिरा होगा वह भी एन बन जाएगा, जबकि इसका दूसरा सिरा जो है एस बन जाएगा। अगला होता है द्विस्पर्श विधि। इस विधि में हम दो प्रकार के चुंबक का उपयोग करते हैं। सबसे पहले एक दंड दी गई होती है, यहाँ पर हम दो चुंबक का उपयोग करते हैं। इन दोनों चुंबक को हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इसके मध्य में एक प्रकार का कॉर्क लगा होता है, तो इसे हम इस दिशा में ले जाएंगे और इस चुंबक को हम इस दिशा में ले जाएंगे। उसके पश्चात हम उसे उठाकर पुनः यहाँ पर ले आएंगे और इसे उठाकर यहाँ पुनः ले आएंगे। इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराएंगे तो ये जो दंड है वह एक प्रकार के चुंबक बन जाता है। द्विस्पर्श विधि में जो पहला सिरा होगा वह एन ध्रुव बन जाता है, जबकि जो दूसरा सिरा होता है वह एस ध्रुव बन जाता है, अर्थात ये सिरा एन ध्रुव और ये सिरा एस ध्रुव बन जाएगा। अगली विधि होती है विभक्त स्पर्श विधि। इस विधि में जो दंड होता है उसका ए सिरा उत्तरी ध्रुव बनता है, जबकि जो बी सिरा होता है वह दक्षिणी ध्रुव बनता है। इन दोनों में समान दी गई है कि जो ए सिरा होगा वह एन ध्रुव बनेगा, जबकि जो दूसरा सिरा होगा वह एस ध्रुव बनेगा। परीक्षा की दृष्टि से इन सभी विधि को हमें याद रखना है कि चुंबक बनाने की कौन कौन सी विधि होती है। एक स्पर्श विधि, द्विस्पर्श विधि, विभक्त स्पर्श विधि और विद्युत प्रभाव के माध्यम से चुंबक का बनाना। अगला विधि हम पढ़ते हैं कि विद्युत प्रभाव के माध्यम से चुंबक का बनना। इसे हमने अभी पढ़ा कि अगर हम किसी नर्म लोहे के दंड को लेते हैं और उसे विद्युत रोधी तांबे के तार से लपेटा हुआ परिनालिका के अंदर रख देते हैं और उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस प्रकार जो दंड होगा वह एक प्रकार का चुंबक का निर्माण करेगा, चुंबकित हो जाएगा। अर्थात जो तांबे के तार से लपेटी हुई परिनालिका होती है उसके अंदर अगर हम नर्म लोहे के दंड को रख देंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस प्रकार जो दंड होगा वह एक प्रकार के चुंबक का निर्माण करता है, और अगर हम विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देंगे तो वह पुनः अचुंबकित हो जाता है। तो इस विधि के द्वारा हम किसी पदार्थ को चुंबकित और अचुंबकित कर सकते हैं। अगला हम पढ़ते हैं कि अस्थायी चुंबक क्या होती है और स्थायी चुंबक क्या होती है। अस्थायी चुंबक वे होते हैं जिसका चुंबकत्व शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। तो स्थायी चुंबक का निर्माण किससे किया जाता है, तो नर्म लोहे के माध्यम से स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। स्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ होता है, तो विद्युत घंटी में, ट्रांसफार्मर क्रोड में और डायनेमो में अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अस्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ होता है और स्थायी चुंबक किस धातु से बना होता है। जबकि स्थायी चुंबक होती है वह इस्पात से बनी होती है और इसका उपयोग लाउड स्पीकर, दिक्सूचक और गैल्वेनोमीटर में की जाती है। तो इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है कि स्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ होता है। यदि हम दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को आपस में मिला देंगे तो इसे कहा जाता है चुंबकीय लंबाई। अर्थात जो चुंबक होती है उसके दो ध्रुव होते हैं, एस ध्रुव और एन ध्रुव। अगर हम इन दोनों ध्रुवों को मिला देंगे तो जो चुंबकीय अक्ष होती है वही चुंबकीय लंबाई होती है। अगला हम पढ़ते हैं चुंबकीय प्रेरण के बारे में। अर्थात वह प्रभाव जिसके कारण कोई पदार्थ चुंबकित होता है, अर्थात उस प्रक्रिया को कहा जाता है चुंबकीय प्रेरण। अर्थात हमने पढ़ा है चुंबकीय रक्षक होती है, अगर हम उसे उसके सिरों पर लगा देंगे तो जो चुंबक होगा वह चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से ये जो चुंबकीय रक्षक होगा उसे चुंबकित कर देगा। तो इसी प्रभाव को कहा जाता है चुंबकीय प्रेरण। इसी प्रभाव के माध्यम से चुंबकीय रक्षक वह चुंबकित हो जाता है। चुंबकीय तूफान के समय जो रेडियो तरंगें होती हैं उसके प्रसारण और अधिग्रहण में बाधा उत्पन्न होती है। अर्थात जब चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं तो उसके कारण जो रेडियो तरंगें होती हैं उसे ग्रहण करने में और उसके प्रसारण में बाधा उत्पन्न होती है। अगला हम पढ़ते हैं कि पदार्थों को उसके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो उसे तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ अर्थात यह लोहा, कोबाल्ट, निकिल ये सभी धातु से बना होता है और यह आकर्षण का गुण प्रदर्शित करता है। अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय दोनों समान होते हैं। अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय दोनों आकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं, परंतु जो अनुचुंबकीय पदार्थ होती है उसमें चुंबकशीलता कम होती है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता अधिक होती है। अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ कम मात्रा में आकर्षित करता है, जबकि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होगी वह अत्यधिक तीव्रता से
आकर्षित करेगी। वैसे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रति यहाँ पर लिखा है, अर्थात यह प्रतिकर्षण करेगी। तो चलिए देखते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहले हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। अर्थात अगर हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो जो उसका विपरीत दिशा होगा वह दिशा थोड़ा सा चुंबकित होता है, और अगर हम इसे शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर ले जाएंगे तो वह प्रतिकर्षित करेगा। तो इसे हमने पढ़ा, जो प्रति लिखा हुआ है प्रतिचुंबकीय, अर्थात यह प्रतिकर्षित करेगा, जबकि जो अन्य दो हैं वह आकर्षित करते हैं। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होती है उसका मान शून्य होता है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु होते हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। चुंबकीय आघूर्ण किसे कहा जाता है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थों को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उस बल को कहा जाता है चुंबकीय आघूर्ण। अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, अर्थात यह चुंबकीय पदार्थ से बहुत ही कम मात्रा में प्रभावित होता है। अगला दिया गया है चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होती है, अर्थात इसकी चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है, ऋणात्मक होती है, जिसके कारण यह अच्छे से चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। अगला गुण दिया गया है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होती है वह हवा की अपेक्षा पदार्थों में कम बल रेखाएं गुजरती है, अर्थात जो हवा होती है उसमें बल रेखाएं अधिक होती है, तो जो बल रेखाएं ऐसे गुजरेगी वह इस प्रकार गुजरेगी कि उसमें हवा में अधिक चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, जबकि धातु में बहुत ही अल्प मात्रा में चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो इसे हमें याद रखना है कि हवा की अपेक्षा पदार्थों में कम बल रेखाएं गुजरती है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है उदाहरण। परीक्षा में हमेशा उदाहरण को पूछा जाता है कि फास्फोरस क्या है, उसमें चार ऑप्शन दिए गए रहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और इनमें से कोई नहीं। तो इस उदाहरण को हमें याद रखना है कि कौन कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत आते हैं, कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय आते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं बिस्मत, फास्फोरस, एंटीमनी, पारा, वायु, हाइड्रोजन, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। इसके साथ ही नमक, जल और नाइट्रोजन, इन सभी उदाहरण को हमें याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमेशा यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, या फिर कोई धातु दी गई होती है जैसे चांदी, तो पूछा जाएगा कि चांदी निम्न में से कौन सा पदार्थ है। तो अगर हमें उदाहरण याद है तो हम बता सकते हैं कि चांदी एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। अगला हम पढ़ते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र के समांतर थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है, थोड़ा सा चुंबकत्व धारण कर लेता है। अर्थात अगर हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो चुंबक के समांतर क्षेत्र होती है उसमें थोड़ा सा चुंबकित हो जाती है, और अगर हम किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो वह उसे आकर्षित करती है। कि पदार्थ में हमने पढ़ा कि इसमें आकर्षण का गुण होता है, अगर किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो वह उसे आकर्षित करती है। अनुचुंबकीय पदार्थ होती है वह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर छिड़ चुंबकत्व धारण करती है, अर्थात चुंबकत्व का मान बहुत ही कम होता है। छिड़ चुंबकत्व की स्थिति में अगर हम किसी शक्तिशाली चुंबक को ले जाते हैं, अर्थात सशक्त चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, तो उसकी प्रवृत्ति होती है तो वह छिड़ चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है, और इसी गुण के कारण वह चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है। और इन पदार्थों के अंदर जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। अर्थात ये कोई चुंबक दी गई है उसमें जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। मान लेते हैं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो इसकी जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी जिसके कारण यह पदार्थ चुंबकित होगा तो वह उसी दिशा में होगी, अर्थात ये दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है तो उसी दिशा में यह भी होगी। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है, इसी कारण अनुचुंबकीय पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में चुंबकित होती है और बहुत ही कम मात्रा में आकर्षित भी करती है। तो इन सभी गुणों को हमें याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं मैग्नीज, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कॉपर, क्लोराइड और क्राउन कांच। तो इन सभी उदाहरण को हमें याद रखना है, मैग्नीज, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कॉपर, क्लोराइड और क्राउन कांच, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला हम पढ़ते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ अर्थात इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहे से संबंधित सभी धातु
अर्थात लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट, ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगर हम किसी चुंबक के पास ले जाएंगे तो वह उसे तीव्रता से आकर्षित करेगा। इस पदार्थ का गुण होता है कि अगर हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व धारण कर लेता है, और शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर ले जाएंगे तो वह उसे तीव्रता से आकर्षित करेगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र का छिड़ भाग होता है वह शक्तिशाली भाग की ओर तीव्रता से प्रवृत्त होता है, और जिसके कारण यह चुंबकीय पदार्थ की ओर तीव्रता से आकर्षित होता है। इस उदाहरण को हमें याद रखना है। लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत लोहा, इस्पात, निकिल और कोबाल्ट आते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ में असंख्य परमाणुओं का समूह होता है, और इस असंख्य परमाणुओं के समूह को कहा जाता है डोमेन। तो इसे भी हमें याद रखना है कि लौह चुंबकीय पदार्थ में जो परमाणु होते हैं वह असंख्य संख्या में होते हैं, और इसी समूह को कहा जाता है डोमेन। लौह चुंबकीय पदार्थ की विशेषता क्या होती है? तो इसे हमें याद रखना है कि लौह चुंबकीय पदार्थों को अगर हम स्वतंत्र पूर्वक लटका देंगे तो वह हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है, अर्थात कोई चुंबकीय क्षेत्र आसपास दी गई है, अगर हम इस लौह चुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्र पूर्वक लटका देंगे वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही स्थिर होती है। अगली विशेषता होती है कि लौह चुंबकीय पदार्थों को अगर हम गर्म करते हैं तो क्यूरी ताप पर वह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करती है, अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थों को अगर हम गर्म करेंगे तो जो क्यूरी ताप होती है उस ताप पर यह चुंबक अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति कार्य करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो जो असंख्य परमाणु होते हैं डोमेन संरचना वह विघटित हो जाती है, और जिसके कारण उसका चुंबकत्व का विलोपन हो जाता है, और चुंबकत्व के ह्रास होने के कारण जो प्रबल चुंबकत्व पदार्थ अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ होती है उसका चुंबकत्व कम हो जाता है, और वह छिड़ चुंबकीय पदार्थ अर्थात अनुचुंबकीय की भांति व्यवहार करता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अधिक होता है। तो इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होती है उसका कम होती है, अनुचुंबकीय का भी कम होता है, जबकि लौह चुंबकीय का चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है। द्रव और गैस होती है उसमें लौह चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। तो इसे हमें याद रखना है कि केवल ठोस पदार्थ जैसे लोहा, इस्पात, निकिल और कोबाल्ट, ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भू चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।